प्रोटीन के रूटीन के ऊपर बात हो रही है और प्रोटीन को मैं बताना चाहता हूं। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि साथियों प्रोटीन आखिरकार भला क्या है। देखिए प्रोटीन की बात करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है। प्रेजेंटेशन बताने के पहले एक मिनट और बता देता हूं आपको मैं साथियों। एक होते हैं कि जिनकी मात्रा ज्यादा खाना पड़ती है, यानी ज्यादा लेने का मतलब क्या होता है। एक होते हैं मैक्रो चीज, मैक्रो यानी बड़ा यानी ज्यादा। एक होती है माइक्रो चीज, माइक्रो यानी छोटा। भाई वाइटामिन मिनरल क्या है, बहुत छोटे हैं, आपको मिलीग्राम में चाहिए, माइक्रोग्राम में चाहिए। लेकिन साथियों कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको ग्राम में चाहिए, उसको बोला जाता है मैक्रो और छोटी चीजों को बोला जाता है माइक्रो। अब भाई आपकी मैक्रो रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट आप दिन भर में 400-500 ग्राम खा लेते हैं, वो मैक्रो है, जरूरी है, ज्यादा खाना है। फैट ज्यादा खाना है, 25 ग्राम 50 ग्राम फैट लेना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट 25 ग्राम की है, तो वो ग्राम में होने से आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई। भाई आप भाई एक चम्मच घी खाइए, कुछ 2-3 चम्मच आप ऑयल लीजिए। अपने भोजन में हमें ऑयल की जरूरत पड़ती है, घी लगाने की जरूरत पड़ती है, आप लोग अगर घी यूज करते हैं तो। साथियों ये हमारे लिए आवश्यक है लेकिन एक लिमिट में आवश्यक है, इनको ग्राम में बोला जाता है। इसलिए पानी लीटर में होता है, लीटर और ग्राम की तुलना करेंगे तो लगभग 1 किलो के बराबर 900 ग्राम होता है। तो साथियों अगर आप दिन भर में 2 लीटर पानी पी रहे हैं तो लगभग आप 1.5 किलो से 2 किलो पानी पी रहे हैं। तो ये मैक्रो चीज हो गई, यानी ज्यादा मात्रा में लगने वाली चीज जरूरी है, उसको लेना जरूरी है। लेकिन इसके साथ माइक्रो चीज कौन सी हुई, माइक्रो यानी छोटी, जैसे कैल्शियम 600 मिलीग्राम, आयरन 21 मिलीग्राम, वो मिलीग्राम में आ गया, लेकिन ग्राम में आ गया तो मैक्रो हो गया। तो इसलिए आप साथियों प्रोटीन को ग्राम में गिना जाता है और ये मैक्रो है, महत्वपूर्ण है, बड़ा है। देखिए जैसे हमारे जीवन में फैट का महत्व है, कार्बोहाइड्रेट का महत्व है, पानी का महत्व है, वैसे ही प्रोटीन का महत्व है। और आप सब लोगों को साथियों इसको इज्जत देना पड़ेगी, बड़ा है ये, महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिए, बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए। और साथियों प्रोटीन के रूटीन के ऊपर बताना चाहता हूं साथियों कि आज हम सब क्यों आपको बारंबार इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे देश में, यहां अंग्रेजी में लिखा है कुछ कुछ चीजें, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको हिंदी में बोलूंगा। आज हमारे देश में 80% भारतीय प्रोटीन की कमी से पीड़ित है, यानी लोग मीट आउट ही नहीं कर पाते हैं उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। देखिए आज उनकी भोजन में वो चीजें शामिल ही नहीं की जिससे प्रोटीन की कमी दूर हो जाए, और यही कारण है कि हमारे देश के 80% लोगों को प्रोटीन की कमी है। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो प्रोटीन को मीट आउट कर पाते हैं। अब सोचिए साथियों आप सब लोगों के लिए एक जो अपने अवसर को मानता है तो बिजनेस करने का भी अवसर है, दूसरा अवसर है साथियों कि हमारे लोगों को स्वस्थ करने का अवसर, अपने परिजनों को स्वस्थ करने का अवसर, और तीसरा है साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि आज हमारे 90% लोगों को यही नहीं समझ में आता कि आखिरकार प्रोटीन क्या है, होता क्या है प्रोटीन, लोगों को यही नहीं मालूम। और आज जब भी प्रोटीन की बात करें लोगों को लगता है अरे अच्छा साहब वो जिम में जाने वाले, वो पहलवान लोग प्रोटीन खाते हैं, अच्छा उसके साथ वो कसरत करते हैं। हमारे यहां पर जो सामान्य चीज है उसको हमने पहलवानों की चीज बना दिया। साथियों आपको मैं बोलना चाहूंगा इसके बिना जीवन है ही नहीं। जैसे पानी कार्बोहाइड्रेट और फैट है, जैसे अगर आप फैट नहीं लोगे कुछ दिन चल जाओगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे चल जाओगे, पानी के बिना आप और प्रोटीन के बिना आपके शरीर की स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगी। इसलिए साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है, और आप सब लोगों को इसकी जरूरत को पूरा करना बहुत आवश्यक है। अब आता है साथियों थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं कि प्रोटीन का रोल क्या है हमारे शरीर में। ये काम करता है आपके मेंटेनेंस का और ग्रोथ का। देखिए बच्चों में इससे ग्रोथ होती है और बड़े लोगों में मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस ने क्या, आपके शरीर का रखरखाव करना मेंटेनेंस है। भाई आपको चोट लग गई ठीक हो जाए, आपके बाल टूट रहे हैं नए बाल आ जाए, आपके नाखून नए नाखून आ रहे हैं, आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ रही है, तो ये आपकी मेंटेनेंस हो गई, यानी शरीर का रखरखाव हो गया और बच्चों की ग्रोथ बढ़ रही है, इसका मतलब प्रोटीन का रोल इसमें आ गया। इसके अलावा साथियों आपके बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को प्रोटीन करता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, आपके पाचन तंत्र को पूरा चलाता है प्रोटीन, जो एंजाइम बनते हैं। देखिए आप खाना पचाते हैं वो लार क्या है, वो लार आपका प्रोटीन है, जो खाना पचाने की लार। अगर आपकी लार ही ना हो तो आपका प्रोटीन आपके शरीर में कम हुआ तो आपकी लार ही नहीं बनेगी, और लार नहीं बनेगी तो खाना नहीं पचेगा। अगर आपको अपच की प्रॉब्लम है इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में प्रोटीन की बहुतायत नहीं है और आपको अपच हो रहा है, ये आपके भोजन को पचाने का काम करता है। इसके साथ साथ साथियों क्या काम है, भोजन को पचाने के साथ साथ में ये आपके मैसेंजर का काम भी करता है। मैसेंजर का काम कैसे, उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं साथियों, इंसुलिन। भाई आपने कई बार सुना होगा कि सर शुगर लेवल बढ़ गया, कई लोग सुनते हैं ना कि सर शुगर लेवल बढ़ गया। अब शुगर लेवल कैसे बढ़ गया साथियों, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो आपके पेनक्रियास का गेटकीपर है। ये क्या करता है कि जब आप शुगर की चीजें, यानी आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लीजिए, मिठाई खा लीजिए, तो ये गेट पे कंट्रोल करता है। भाई उदाहरण के लिए आरसीएम के एनिवर्सरी में 20,000 लोगों को बुलाया गया, मान लीजिए 25,000 लोगों को बुलाया गया और वहां पर 50,000 लोग पहुंच गए, तो 50,000 को एंट्री कैसे दी जाएगी,
भाई गेट पे ही रोक दिया जाएगा कि भाई 50,000 लोग तो आ नहीं सकते, आपका टिकट नहीं है, आपने बुकिंग नहीं करी थी। तो साथियों क्या हुआ कि वो गेट कीपर जो है वहां पे जो रोक रहा है वो आपका इंसुलिन। अगर गेट कीपर ही न रहे तो 25,000 के पीछे 25,000 लोग और आ जाएंगे और व्यवस्था गड़बड़ जाएगी। तो साथियों आपके शरीर की व्यवस्था गड़बड़ होगी, आपका इंसुलिन सही काम नहीं करेगा तो आपकी व्यवस्था शरीर की गड़बड़ हो जाएगी और शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो साथियों इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन जो प्रोटीन बनाता है। इसलिए ये प्रोटीन लेना जरूरी क्यों है? अगर आप प्रोटीन की कमी रखोगे तो आपके शरीर में इंसुलिन का निर्माण कम होगा और आपको रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद आती है साथियों बात की भाई बहुत सारे लोग जो होते हैं ये अपने जीवन में जो है सामान्य गतिविधियां, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं साथियों, आपके ब्रेन से पूरे शरीर को निर्देश जाते हैं। भाई मैं बोल पा रहा हूं तो ब्रेन की ताकत, मैं उंगली उठा पा रहा हूं ब्रेन की ताकत, वो इशारा कर रहा है ब्रेन। इतने फास्ट इसमें प्रोसेसर लगे हुए साथियों, कंप्यूटर हमारे ब्रेन का मुकाबला कर ही नहीं सकता, इतने फास्ट प्रोसेसर हैं ये। पूरे के पूरे तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, इसके न्यूरॉन्स बनाने का काम जो होता है वो करता है प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन की डिफिशियंसी से आपको थकान ज्यादा लगेगी, शरीर उठ नहीं पाएगा, कमजोरी आएगी आपको। आपको ये सारे काम जो करता है, आपके अंदर प्यार की इच्छा जगाने का काम प्रोटीन करता है, आपके अंदर दर्द को भगाने की क्षमता जो है प्रोटीन में है, डोपामाइन जो होता है वो आपका रिवॉर्ड केमिकल है, ऐसे बहुत सारे काम आपके शरीर में जो करता है वो प्रोटीन करता है। साथियों संरचना प्रदान करता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके शरीर के अंदर आप कई बार देखते हो कि बड़ी उम्र में झुर्रियां आ जाती, सिर के ऊपर झुर्री आ गई, गालों पे झुर्री आ गई। अब आप कई बार सोचते हो कि सर ये अरे क्या बात है भाई, बूढ़े दिखने लग गए। बूढ़े इसलिए दिखने लग गए कि भाई उन्होंने अपने भोजन में डाइट में प्रोटीन को शामिल नहीं करा, और जब प्रोटीन को शामिल नहीं करा तो चेहरे पे झुर्री आ जाएगी, आप बूढ़े लगोगे जल्दी, और बूढ़े लगने का रीजन ही आपकी प्रोटीन की कमी है। इसलिए साथियों कोलेजन नाम का जो तत्व होता है वो प्रोटीन का ही, प्रोटीन से ही निर्माण होता है, और उसके बिना आपके शरीर में जान नहीं आएगी। आप सामान उठा नहीं पा रहे, साइकिल की पेडल नहीं मार पा रहे हो, स्कूटर की किक नहीं मार पा रहे हो, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपके प्रोटीन की कमी है। अगर आप लोग किसी भी कारण से साथियों आपके शरीर को बार बार नजला हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, प्रोटीन की कमी है, क्योंकि आपके पोषक तत्व आपके आपके शरीर जो है बीमारियों से लड़ ही नहीं पा रहा है। अगर आपके शरीर में साथियों थकान ज्यादा है, हीमोग्लोबिन क्या है? आपके रक्त में बहने वाला हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और साथियों अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन एंड तक नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो साथियों आपको थकान ज्यादा होगी। इसलिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन और आयरन मिलके बनता है, हेम और ग्लोबिन मिलके बनता है प्रोटीन। तो साथ प्रोटीन और आयरन मिलके बनता है आपका हीमोग्लोबिन। इसलिए अगर आपके शरीर में खून की कमी है, इसका मतलब आयरन भी कम है, यानी लोहा भी कम है आपके शरीर में, और आपके शरीर में प्रोटीन भी कम है। जब तक ये दोनों बराबर नहीं जाएंगे आपकी ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा, और उसके कारण आपको कई बार गंभीर परेशानियां भी आ सकती है। और साथियों इसी के साथ आपको ऊर्जा प्रदान करने का काम प्रोटीन करता है। आपके बहुत सारे ऐसे फायदे हैं कि जो प्रोटीन के ज्यादा डाइट लेने के निर्देश बताते हैं, जिनके फायदे ज्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप प्रोटीन की डाइट लोगे तो आपको भूख कम लगेगी, इससे आपको उल्टा सीधा खाने की इच्छा कम होगी। यानी आप कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो आपका शरीर फिट रहेगा। इसलिए साथियों अपने भोजन में प्रोटीन को शामिल जरूर कीजिए। मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, यानी आपकी आप मांसपेशियों से मतलब क्या समझे साथियों? आप क्या कारण है कि साथियों बुजुर्ग लोगों को सहारा लेना पड़ता है किसी सामान को उठाने का? उसका सिंपल रीजन है कि उनकी मांसपेशियां कमजोर हो गई, और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है तो वजन नहीं उठा पाते हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, साइकिल नहीं चला पाते हैं, बाइक नहीं चला पाते हैं, बोझ नहीं उठा पाते हैं। और यही कारण है साथियों कि आपको प्रोटीन की जरूरत अपने भोजन के लिए बहुत जरूरी है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है प्रोटीन। इसलिए आप लोग प्रोटीन की डाइट लेते हैं तो आपकी हड्डियां भी उससे आपको, और देखिए कई बार आपने देखा होगा भाई कि हम जब है ना रात के समय क्या होता है कि जब मान लीजिए कि हमने भोजन नहीं किया, अब आपको किसी ने बोला कि सर प्रोटीन का शेक पी के सोइए, अब आप प्रोटीन का शेक पी के सो गए और आपने भोजन नहीं किया, तो आपको रात के समय एक थोड़ी सी 11 बजे 10-11 बजे भूख लगती है, और हम किचन की तरफ भागते कि भाई कुछ किचन में मिल जाए, शायद एक रोटी रखी हो, या कोई गुजरात में है तो खाकरा रखा हो, या एक काम करें कुछ शायद एक सब्जी रखी हो, थोड़े से चावल बचे हुए हों। तो हम रात के समय उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं जब हमें भूख लगती है। साथियों ये भूख क्यों लगती है? क्योंकि आपकी वो लालसा जो इच्छा है वो कम पड़ कमजोर है। अगर आप प्रोटीन की डाइट लेंगे तो आपको ये नींद आने नहीं परेशानियां, और ये आपकी जो भूख की बार बार जगरने होती है ये कम हो जाए। इससे आप अपने आप को एक स्वस्थ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो, अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। और साथियों उम्र बढ़ने के साथ फिटनेस भी बढ़ाए। देखिए आज इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को आप देखते हैं, इतने बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार को देखते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर को देखिए आप साथियों, क्यों इतने समय तक फिट रहते हैं?
भाई अभी कुछ दिन पहले मैंने दारा सिंह जी जो हमारे पहलवान थे उनका स्टडी कर रहा था, मैं देखा 80-90 साल की आयु तक भी वो अपने आप को एक्टिव रख पाए। कारण क्या है साथियों, उनकी डाइट में प्रोटीन बहुत शामिल होता है। इसलिए पहलवान लोग, स्पोर्ट्स पर्सन लोग, फिल्म के स्टार लोग जो खूबसूरत दिखना चाहते हैं वो अपने शरीर में प्रोटीन की खुराक जरूर डालते हैं। तो चलिए साथियों, भारत को एक फिटनेस की बढ़ाएं और प्रोटीन की जरूरत जब सबको है तो हर घर तक पहुंचे। जैसा मैंने आपको बोला कि बच्चों को शारीरिक वृद्धि के लिए चाहिए, उनकी हाइट बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए, और अगर उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि वो छोटे हो जाएंगे, टिकने हो जाएंगे, और फिर उनको क्लास के बच्चे परेशान करेंगे कि अरे भाई तुम तो छोटे हो, मैं हाइट में बड़ा रह गया। और फिर कई बार हमें देखिए, ऐसा मैं बोलना गलत होगा कि हर व्यक्ति छोटा रहता है तो वो उसको हीन भावना होती है। भाई दुनिया के बहुत सारे छोटे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे करे हैं, तो उससे लेकिन एक उससे आपकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या साथियों, बीमारी कम होती है अगर आप प्रोटीन लेते हैं बच्चे लोग। अगर आप यंग लोगों की बात करें तो साथियों, यंग लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं। अगर आपका शरीर बेडोर हो जाए, यानी या तो वजन बहुत बढ़ जाए या वजन कम हो जाए, तो वो भी नुकसानदायक है। इसलिए आप प्रोटीन लेंगे तो आपकी मसल लीन बनेगी, यानी आपको वजन कम बढ़ेगा लेकिन फिटनेस ज्यादा होगी और आप ऊर्जावान। इसके साथ साथ साथियों, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कई बार आप देखिए साथियों कि मध्यम वर्ग में जब आप कई अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, अपने बड़े भाई को देखते हैं या आप 40-50 साल के व्यक्ति को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि यार ये पहले बड़े फिट थे लेकिन अभी एकदम शरीर में, वो महिला को देखते हैं तो बेडोल हो गई है, थोड़ा वजन बढ़ गया है। हमारे बड़े भाई को देखा तो वजन बढ़ गया, एकदम चेंज लगने लगते हैं। वो चेंज क्यों लग रहे हैं? गाल भर गए, गर्दन पे पूरी फैट आ गई, क्योंकि साथियों प्रोटीन की कमी से उनके अंदर फैट ज्यादा डिपॉजिट हो गया, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा डिपॉजिट हो गए, और वो जो है अपने शरीर को फिट नहीं कर पाए। इसलिए आप सब लोग साथियों समझ के चलिए कि बड़ी उम्र में हमें अपने आप को फिट रखना है तो प्रोटीन का सेवन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जितने लोग इस अवस्था के हैं, जो 50-60 साल के ऊपर हैं, अगर आप अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, और देखिए साथियों एक बात को समझ के चलिए, हम सब लोगों को अभी जो जीवन जीना है उसमें हमारे बच्चे हमारे साथ में नहीं रहने वाले हैं। अब बच्चों की संख्या कम हो गई है, एक होता है, दो होता है जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है, तो हमारा आसरा हम खुद को बनना है। और ऐसे समय में जरूरी है कि हम अपनी सेहत का सवाल खुद उठा के चले, हम अपने आप को ध्यान रखें। और वृद्धावस्था में तो साथियों आप जानते हैं कि जो कई बार हमने सुना है कि सर बाथरूम में गिर गए, हड्डी टूट गई, अरे सर उनको सिर में चोट आ गई, कारण क्या है कि भाई प्रोटीन की कमी थी, गिर गए, शरीर में जान ही नहीं रह गई। तो साथियों स्फूर्ति बना रखने के लिए, फिटनेस बनाने के लिए और अपने बीमारियों से बचने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। इसलिए आप सब लोगों से मैं कहूंगा साथियों कि हम अपने आप को फिट रखें। और साथियों ये गलत है सोचना, देखिए कई बार आप सोचते हो कि एक मजदूर को देखिए, लोग क्या बोलते हैं कि सर कितनी मेहनत करता है। साथियों अगर मेहनत करने से मसल बन रही होती तो मजदूर कितना कमजोर दिखता है? एक मजदूर कमजोर क्यों दिख रहा है? दिन भर ईंटें उठा रहा है, सामान उठा रहा है, उसका कारण क्या है साथियों? कि वो शरीर में खुराक तो ले नहीं रहा है और काम मेहनत का कर रहा है। तो साथियों अगर आप मेहनत का काम करते हैं, और मेहनत का काम क्या है, हम रोज जो काम कर रहे हैं वो भी तो मेहनत का काम है भाई। मजदूर का काम एक अलग है कि उसको ईंट उठानी है, हमें तो और भी कुछ चीजें उठानी है, बिजनेस उठाना है, काम करना है, अपने गति के साथ आगे बढ़ना है। तो साथियों उस केस में अगर आपको शरीर को आप ताकत नहीं दोगे तो आपके शरीर पर भी तो झुर्री आ जाएगी, बुढ़ापा के लक्षण दिखने लगेंगे। इसलिए जरूरी क्या है साथियों कि हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए सिर्फ प्रोटीन लेके भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ वजन उठा के भी काम नहीं चलेगा, प्रोटीन के साथ साथ हमें रोज के काम को भी करना होगा। इसलिए साथियों व्यायाम भी कीजिए, थोड़ा प्रोटीन भी लीजिए, और फिर देखिए आपके शरीर में 2-3 महीने के अंदर कितना शानदार परिवर्तन आ जाएगा और आप अपने आप को फिट रख पाओ। अब आता है साथियों की ग्राम की मात्रा आती है कि भाई कितना लेना है। देखिए ICMR जो है वो हमारी जो भारत की संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो ये बताती है कि एक वजन जो होता है उसका औसत निकाला है इन्होंने कि भाई कम से कम 1 ग्राम पर बॉडी वेट। यानी अगर मान लीजिए एक पुरुष है तो 60-70 किलो का होता ही है, महिला 55-60 किलो की होती है, भाई औसत पुरुष का वजन 60-65 किलो 70 किलो होता है, तो पुरुष को 60 ग्राम और महिला को 55 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। वयस्क की बात कर, बच्चों को थोड़ा कम लगेगा लेकिन वयस्क व्यक्ति को इतना लेना जरूरी है। अब इसके अलावा साथियों जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, यानी जो जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, पहलवान है, उसको आपसे डबल चाहिए। इसलिए कभी मत सोचिए साथियों कि उनकी वो तो प्रोटीन पहलवान लोग लेते हैं, अरे भाई आपकी जरूरत कम है लेकिन है, और पहलवानों की जरूरत तो आपसे डबल है, आप उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें 200 ग्राम खाना है, आपको 50 ग्राम खाना है, 60 ग्राम खाना है। तो साथियों आपसे डबल प्रोटीन लेना है। और साथियों इसलिए मैं कहूंगा कि हमें प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो पूरा करने के साथ साथ हमें अपनी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे बच्चों को इनकरेज करिए कि वो थोड़ा बाहर घूमें, दिन भर घर में बैठ के मोबाइल ना देखते रहें, टीवी ना देखते रहें, आप उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, अन्यथा क्या होगा उनका शरीर भी बेडोल हो जाएगा। उसी तरीके से साथियों जो हमारे युवा लड़के लड़कियां हैं,
आपके घर में अगर 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं तो आप उनको बोलिए कि भाई दिन भर मोबाइल ना देखें, दिन भर टीवी ना देखें, क्रिकेट का दिन भर मैच ना देखें, घर के बाहर निकलो, दोस्तों के साथ भागो दौड़ो, मैदान में खेलने जाओ, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, जो आपको अच्छा लगता है करिए, लेकिन एक्टिव रहिए, स्विमिंग करिए, भागिए, दौड़िए, अपने घर से बाहर निकलिए। और हम सब लोगों को साथियों अपने घर से बाहर निकल के कोई ना कोई गतिविधि में शामिल होना चाहिए। अगर आप अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हो या घर में ही कोई काम नहीं कर रहे हो तो आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, और विशेष करके जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, इसलिए साथियों कभी भी कोई बड़ा बुजुर्ग आप उन्हें कोई काम करने से मना मत कीजिए। देखिए क्या होता है साथियों, हम क्या प्रयास करते हैं, देखिए हम अपने सीनियर को, बड़े बुजुर्ग को क्या प्रयास करते हैं, अरे मम्मी ये मत उठाओ, अरे पापा हम आपको हेल्प कर देते हैं, अरे पापा आप सीढ़ी चढ़ के कहाँ जाओगे, अरे आप सब्जी लेने कहाँ जाओगे, अरे पिताजी आप बैठिए मैं कर देता हूँ। नहीं, उनको बैठने मत दीजिए। आप जितना हो सके साथियों, अगर आपके घर में कोई सीनियर है, आपसे बड़ी उम्र का है, भाई जैसे मेरी माता जी के 76 साल है, तो मैं जब भी वो मुंबई में मेरे पास रहने आती है, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप मुझे लिए खाना बना दीजिए, आप एक काम करिए मंदिर जाके आ जाइए, आप लिफ्ट का उपयोग कम कीजिए। हम उनको एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा साथियों, अपने परिजनों को, बड़े उम्र के लोगों को मदद करना, अगर वो मजबूर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो मजबूर नहीं है तो उनको मदद मत कीजिए, उनको गाइड कीजिए। पिताजी थोड़ा सीढ़ी चढ़ के चलते, चलिए ऊपर चढ़ के देखते, माता जी आप एक काम करिए थोड़ा दो रोटी मेरे लिए बनाइए, देखिए पता चला उनको खुद का कपड़ा धोने दीजिए। जब वो खुद का काम करेंगे तो एक्टिव रहेंगे, जितना बैठा हुआ व्यक्ति उतना जंग लगेगा, और ये हर किसी पे लागू होता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है साथियों कि सीनियर लोगों को भी, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनको भी लगातार एक्टिव रखना होगा। उन्हें मना मत कीजिए कोई काम करने से, उन्हें इनकरेज कीजिए, कभी भी वो काम करने का बोले, बच्चे हों, बड़े हों, आप हों, आपकी पत्नी है, कभी उन्हें मना मत कीजिए कोई भी काम करने से, क्योंकि साथियों वो जो काम करेंगे वो उनके शरीर के लिए फायदेमंद है। उनको एंगेज रखिए, उनको सक्रिय रखिए। और चलिए बॉडी बिल्डर की बात तो साथियों करने की जरूरत नहीं है, तो आप जानते हैं साथियों कि हमें प्रोटीन मिल कर रहा है। भाई देखिए दाल में प्रोटीन मिलता है, आप सभी लोग जानते हैं। अरे एक कटोरी दाल ली और पूरे परिवार उसमें पानी मिला के उसको उबाल के खा रहा है, अरे एक कटोरी में प्रोटीन ही भाई कितना होगा। भाई कितनी दाल ले रहे हो, 50 ग्राम पाल दाल खा रहे हो, 25 ग्राम दाल खा रहे हो एक टाइम में, और उसमें भी 3 लोगों ने दाल खा ली, भाई कितना प्रोटीन मिला आपके शरीर को, कहां से मिलेगा प्रोटीन। अगर आप मान लीजिए एक कटोरी में आपने जो लिया और उसमें 4 भाग आपने पानी मिला दिया, तो प्रोटीन कहां मिला। और चलो मान लो आपको प्रोटीन मिल भी गया साथियों, कितना मिला, उस चार चार लोगों ने उसको दाल को खा लिया, तो एक व्यक्ति को तो अगर मान लीजिए अगर 2 ग्राम 3 ग्राम प्रोटीन मिला तो क्या फायदा होने वाला साथियों, कितनी कटोरी खाओगे दाल की। और अगर आपको 60 ग्राम खाना है तो कम से कम 30 कटोरी खाना पड़ेगी। अब 10 ग्राम प्रोटीन को 3 लोगों में भाग दिया तो साथियों क्या मिला हमको, आप सोचिए साथियों, दाल में प्रोटीन है, 30 कटोरी थोड़ा ना खा पाते हैं। उसी तरीके से अगर बात करें साथियों तो दूध में प्रोटीन है, भाई 1 गिलास दूध में लगभग 7 ग्राम प्रोटीन है, 6 ग्राम प्रोटीन, भाई लेकिन आप क्या दूध पूरा पी पा रहे हैं। अरे आप दिन भर में 20 गिलास दूध पियोगे या 30 गिलास या 10 गिलास 20 गिलास दूध पियोगे तब जाके प्रोटीन की जरूरत पूरी, भाई इतना दूध कहाँ से पियोगे। और चलिए आपने पी भी लिया, पचाओगे कैसे, भाई 2 लीटर दूध पीना यानी 10 गिलास दूध यानी लगभग 2 लीटर दूध पीना यानी साथियों रोज का 150 रुपये खर्चा, यानी 5,000 का दूध तो एक परिवार में भी नहीं आता, तो आप कैसे पी पाओगे, वो भी फाइनेंशियली भी सही नहीं। आप गेहूं के आटे में सोयाबीन मिला लेते हो कि साहब इससे प्रोटीन बढ़ जाएगा, लेकिन साथियों उसमें फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप रोटी 2-3 ही खा रहे हो, कितना प्रोटीन खाओगे। 2 ग्राम 3 ग्राम प्रोटीन खाने से 4 रोटी 3 रोटी खा के कितना प्रोटीन मिल जाए। तो साथियों आप तो प्रोटीन डिफिशियंट हो, और यही कारण है साथियों कि आपके परिवार को प्रोटीन का स्रोत पूरा का पूरा मिलना बहुत मुश्किल है। और इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा साथियों कि अपनी डाइट में आप प्रोटीन का सप्लीमेंट जब तक शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सोयाबीन में, दालों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पकाने में कई बार खराब हो जाते हैं, या कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपके पाचन तंत्र में बाधा बनती है। और यही कारण है साथियों कि आप दाल का, आप खाद्य पदार्थों का अगर बहुत सेवन करोगे और उसकी क्वालिटी अच्छी हुई, अगर उसमें इनहिबिटर्स यानी पोषक तत्वों को रोकने वाले तत्व नहीं हुए तो फायदा है, अन्यथा आप बहुत कुछ खा के भी, इतना सारा खा के भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो साथियों संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत क्या है, वो स्रोत है आपके सप्लीमेंट्स। जो आपको खाना है, दही खाइए, दूध पीजिए, दाल लीजिए, सोया का आप आटा मिला रहे हैं तो मिलाइए, हालांकि सोया का आटा खाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है आप लिमिटेड खा रहे हैं उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर आटे की ताकत बढ़ा रहे हैं, आप मान लीजिए दूसरी भी कुछ चीजें खा रहे हैं पोषक तत्वों के साथ, पनीर ले रहे हैं, या अगर आप वेजिटेरियन हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, नॉन वेजिटेरियन लोग के पास मौके थोड़े ज्यादा होते हैं लेकिन उसमें कई तरह के नुकसान भी छुपे होते हैं। तो साथियों न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्योर होते हैं, पूर्ण गुणवत्ता वाले होते हैं,
100% सभी शुद्धियों अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपके आरडीए को पहुंचाने में मदद करते हैं। इसलिए साथियों आप सब लोग मिलके न्यूट्रीचार्ज की प्रोटीन की श्रृंखला का विश्वास कीजिए, क्योंकि इसमें 100% प्रोटीन क्वालिटी का प्रोटीन मिलाया गया है और शुद्ध प्रोटीन है। ये आपकी कोई अड़चन नहीं बनेगा, आपकी जो जिंदगी की जरूरत है उसको पूरा करने में मदद करेगा। और आज एक साथियों प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा जो है हमारा न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो। ये बिना स्वाद का प्रोटीन है। देखिए बहुत सारे लोग क्या होता है कि सर हमें स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं, हमें चॉकलेट पसंद नहीं, वेनिला पसंद नहीं, हमें तो सिर्फ ऐसा प्रोटीन हो। तो साथियों इसको किसी में भी मिला लीजिए, अरे दही में एक चम्मच डाल लीजिए, दूध में एक चम्मच डाल लीजिए, छाछ में डाल लीजिए, दाल में डाल लीजिए, आपका घर में सूप बन रहा है उसमें डाल लीजिए, आपके सलाद में डाल दीजिए, आप इसको किसी भी तरीके से ले लीजिए, आपके खाने में मिला लीजिए, सब्जी में डाल दीजिए, दाल में डाल दीजिए, जहां मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए। साथियों ये बिना फ्लेवर का है और इससे फायदा क्या होगा कि आप इसको एक तो सबसे उच्चतम गुणवत्ता का है, पौधों से प्राप्त है और इसको कोई फ्लेवर नहीं होने की वजह से आप इसके कई सारे उपयोग कम कर सकते हैं, इसके उपयोग कर सकते हैं। तो फायदा क्या है साथियों कि एक तो आपके हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है, आपकी सूजन अंदर की जो होती है उसको मेंटेन करेगा, उसको रोकने का काम करेगा, आपको बीमारी से लड़ने की ताकत देगा और विशेष करके किशोरों के लिए बहुत फायदेमंद है, मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत फायदा करेगा। और किसे लेना चाहिए, एक तो जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें जरूर लेना चाहिए। अगर आप में से किसी का वजन कमजोर है तो आप न्यूट्रीचार्ज गेनर में इसका एक स्कूप डाल लीजिए, दूध में मिला के इसका 3 महीने सेवन करेंगे तो वजन इसका बहुत स्पीड से बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोग वजन बढ़ाने के लिए न्यूट्रीचार्ज गेनर का उपयोग कीजिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई टेस्ट पसंद नहीं, बोलते नहीं सर हम कोकोआ नहीं पियेंगे, स्ट्रॉबेरी नहीं पियेंगे। तो आप अपने भोजन में स्वाद अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो इसको डाल दीजिए। अगर आपको दूध में डालना है, आपको दही में डालना है, मैंने आपको जैसे तरीके बताए, तो किसको लेना चाहिए साथियों, हर किसी को लेना चाहिए और प्रोटीन के माध्यम से हमें हर घर तक पहुंचना चाहिए और हर घर पहुंच के प्रोटीन की लहर को पहुंचाएं और उस दिशा में काम करें जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो साथियों मैंने आपके बीच में एक छोटा सा सेशन बीच में करा है, मैं आपको बहुत कम जानकारी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं साथियों कि इसके महत्व का कम मत आइए। आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, आपके शरीर के लिए जरूरी है और न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा बेताज बादशाह कैटेगरी अगर कोई है तो वो न्यूट्रीचार्ज की प्रोटीन कैटेगरी, यानी प्रोटीन कैटेगरी बेताज बादशाह है और उसमें आपके पास न्यूट्रीचार्ज का जो प्रोटीन प्रोडक्ट मिला है, हमारी इतनी बड़ी रेंज आपको मिली है, ये आपको बहुत फायदा देगी। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है साथियों कि आज आप सब लोग जो है न्यूट्रीचार्ज के हमारे सप्लीमेंट में से प्रोटीन का उपयोग जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत फिट रखने में और ऊर्जावान बनाए रखने में आपको मदद करेगी। तो चलिए साथियों आप सब लोगों के साथ में एक छोटी सी क्विज हम लोग खेलेंगे। मैंने आपको लिंक एक शेयर कर दी है, ये लिंक को आप अपने मोबाइल पे कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आप इसके प्रश्नों का आज का उत्तर दीजिए। तो मैं आपके बीच में जो प्रश्न रखना चाह रहा हूं, आज हमारे बीच में 2 प्रश्न हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं और वो 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न जिसमें आपके बीच में आ रहा है और वो पहला प्रश्न है साथियों कि कितने प्रतिशत भारतीय जो हैं हमारे देश में प्रोटीन की कमी का शिकार है। यानी आपको जवाब ये देना है कि कितने प्रतिशत भारतीय प्रोटीन की कमी का शिकार है। इन चारों में से एक उत्तर सही है और वो जो लिंक आपको भेजी है उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम का पर्चा खुल जाएगा, जहां आपको 2 प्रश्न दिखाई देंगे उसमें से एक जवाब सही है और पहले प्रश्न में 4 ऑप्शन है तो इसमें से एक आंसर सही है कि कितने प्रतिशत भारतीय प्रोटीन की कमी से पीड़ित है। तो यहां पर आप सब लोग इसका जवाब देके पहला प्रश्न हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न होता है साथियों कि आपको कौन सी गुणवत्ता वाला प्रोटीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो सबसे अच्छे माने जाते हैं, जैसे सोया प्रोटीन क्या अच्छा है, वह प्रोटीन अच्छा है या कैसीन प्रोटीन अच्छा है या तीनों अच्छे हैं। तो आप में से आपको इनमें से एक जवाब को सही माना जाएगा, बाकी सही नहीं है तो आप इसमें से एक जवाब सिलेक्ट कर लीजिए और आपका आज ये जो है 6ठा प्रश्न आपके बीच में आ गया। 14 प्रश्न आपके बीच में और आएंगे और आपको इसकी PDF भी भेज दी जाएगी जिससे आप इनके प्रश्नों को जवाब दे सकें। तो साथियों मेरा आप सब लोगों को अनुरोध है कि प्रोटीन के रूटीन के माध्यम से हम पूरे भारत में जो है हर घर पहुंच के अपने बिजनेस की जान बढ़ाएं, शान बढ़ाएं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाई की तरफ लेके जाएं। तो साथियों आज आपने प्रोटीन का रूटीन के बारे में सुना, प्रोटीन के महत्व के बारे में सुना, क्यों लेना चाहिए, क्या फायदे हैं, ये सब जानकारी ली और हमारे न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो जो बिना स्वाद का प्रोटीन है उसके बारे में भी आपने आज जाना। तो बहुत बहुत आपको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमारे इस प्रोडक्ट के माध्यम से बड़ी बिजनेस की कामयाबी लाएं, अपने शरीर की फिटनेस भी बढ़ाएं और अपने आप को एक्टिव रख के आप बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करें। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं साथियों यूट्यूब चैनल के अलावा न्यूट्रीचार्ज के रोज प्रोग्राम सुबह 8 बजे
डेली लर्निंग के सेशंस होते हैं। आपके मन में कोई भी दुविधा होती है आप जरूर उसमें अटेंड करें, सुबह 8 से 9 और शाम को 7 से 8, ये दोनों सेशंस आपके बीच में होते हैं, जहां आप लोग प्रोग्राम में आके अपने वहां पर सवालों के जवाब और प्रश्नों के उत्तर और साथ साथ में अपनी दुविधाएं दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा हर संडे को अलग अलग भाषाओं में प्रोग्राम होता है न्यूट्री चार्ज का, जिसमें मलयालम भी है, उसमें आपको जो है वो गुजराती भी है, मराठी भी है और बहुत कन्नड़ भी है, मलयालम भी है, बहुत सारी भाषाएं वहां पर आपको सुनने को मिलेगी, आप जिसका फायदा ले सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है साथियों कि आप इन प्रोग्रामों को जरूर अटेंड करेंगे। उसके अलावा लीडर्स के माध्यम से भी कई सारे प्रोग्राम हमारे बीच में होते रहते हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को बिजनेस की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद करूंगा कि अगले हफ्ते आप जरूर मिलेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। साथियों जय आरसीएम, मेरा चार्ज।